नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Infinix Note 12 Pro 5G versus Samsung Galaxy M33 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Note 12 Pro 5G में 6.48 इंच जबकि Galaxy M33 5G में 6.51 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3.03 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Note 12 Pro 5G में 0.31 इंच जबकि Galaxy M33 5G में 0.37 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Note 12 Pro 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Note 12 Pro 5G में 188 ग्राम जबकि Galaxy M33 5G में 215 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि Note 12 Pro 5G से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Note 12 Pro 5G में AMOLED जबकि Galaxy M33 5G में TFT की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Note 12 Pro 5G में 6.7 इंचेस जबकि Galaxy M33 5G में 6.6 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Note 12 Pro 5G में 1080x2400 और Galaxy M33 5G में 1080x2408 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Note 12 Pro 5G में 85.62% जबकि Galaxy M33 5G में 82.68% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Note 12 Pro 5G में 393 पिक्सल प्रति इंच जबकि Galaxy M33 5G में 400 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Note 12 Pro 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Galaxy M33 5G की बात करें तो इसमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Note 12 Pro 5G में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Galaxy M33 5G की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Note 12 Pro 5G में Mali G57 MC2 जबकि Galaxy M33 5G में Mali G68 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Note 12 Pro 5G में MediaTek Dimensity 810MT6833 और Galaxy M33 5G में Samsung Exynos 1280 मिलता है। बात करें RAM की तो Note 12 Pro 5G में 8GB की RAM मिलती है जबकि Galaxy M33 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Note 12 Pro 5G में 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Galaxy M33 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Note 12 Pro 5G में अप टू 2TB जबकि Galaxy M33 5G में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी Note 12 Pro 5G में 5000 mAh जबकि Galaxy M33 5G में 6000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Note 12 Pro 5G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹17,999 में मिल जाता है। वही अगर बात करें Galaxy M33 5G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹17,999, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹19,499 में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Infinix Note 12 Pro 5G में 7 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Samsung Galaxy M33 5G की तो उसमें 7 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Note 12 Pro 5G आगे है, मेन कैमरा में Note 12 Pro 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Galaxy M33 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y75 5G है, दूसरा Realme Narzo 50 Pro 5G है, तीसरा Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy A33 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना।